हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योति किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं सेवई कस्टर्ड फालूदा की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस डिजर्ट रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून घी डाला है और घी में अब हमने 1 कप के करीब सेवई डाली है और इसको अच्छे से हमें स्लो गैस पर भूनना है। तो ये सेवई मेरी होममेड है। अगर आप इस सेवई की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको हल्का गोल्डन होने तक हमने इसको अच्छे से भूनना है सिम गैस पर। और ये डिज़र्ट खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है और बहुत ही सिंपल और इजी है इसे बनाना। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, इसको फटाफट बन के रेडी हो जाता है। इसे ज़रूर ट्राई करें आप। तो ये देखिए मेरी सेवई बिल्कुल हल्की गोल्डन होने तक भुन गई है। अब इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। इसमें मैंने 1 से 1.5 कप के करीब दूध डाला है। और अब एक तरफ हम अलग से एक बाउल में थोड़ा सा दूध लेंगे और इसमें हम 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डाला है मैंने। और इसके साथ ही इसमें हम 2 टीस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। देखिए 2 टीस्पून मिल्क पाउडर डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। इसको आप 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच यूज कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो सेवई हमारी अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें हम 4 से 5 चम्मच मैंने चीनी डाली है। तो चीनी को अच्छे से घुलने तक इसको पकाएंगे हम। तो चीनी अच्छे से हमारी घुल चुकी है। अब इसमें हम जो कस्टर्ड वाला हमने घोल तैयार किया है वो कर डालेंगे धीरे धीरे। और इसको अच्छे से हम सारा अच्छे से घोल डाल देंगे इसको हम। और इसको हम चम्मच से अच्छे से कंटिन्यू चलाएंगे। कस्टर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू इसको चलाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। और इसको सिम गैस पर अच्छे से हमें बॉयल होने देना है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे साथ शेयर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारा कस्टर्ड गाढ़ा होने लग गया है। अब इसमें अच्छा कलर लाने के लिए हल्का सा मैंने फूड कलर डाला है। इससे हमारा इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए और इसको स्किप ना कीजिए। तो इस तरह से हमारा ये कस्टर्ड और लगभग तैयार हो चुका है। ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको ढककर और पकाया था तो ये अच्छे से पक चुका है। तो अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये परफेक्ट है हमारा, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। तो गैस को यहाँ मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए ठंडा होने के बाद में इस तरह से कंसिस्टेंसी में आ चुका है हमारा कस्टर्ड और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो हम सर्व कैसे करेंगे तो अभी हम आपको बताते हैं। और इधर मैंने 2 टीस्पून ये सिया चीड है के बीज थे जिसको मैंने अच्छे से भिगो दिया था पानी में, तो ये फूल चुके हैं तो इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो सबसे पहले ये सिया चीड के डालेंगे हम ग्लास में। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया है। 2 या 3 चम्मच आप डाल सकते हैं।
ये खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं, ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे ज़रूर यूज करें आप। अगर बस यह चीज़ ना हो तो आप सब्जा के जो सीड आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें रूअफ़ज़ा डाल दिया है, 1 टेबल स्पून के करीब रूअफ़ज़ा डाल दिया है मैंने। और अब इसमें हम जो सेवई कस्टर्ड बनाए थे वो डाल देंगे। ये खाने में तो टेस्टी बनता ही है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये डिज़र्ट, और देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बनने के बाद। अब इसमें कुछ कटे हुए फ्रूट्स डाल देंगे, इसमें मैंने मैंगो और ये बनाना डाल दिए हैं, और इसके बाद में कुछ अनार के दाने डाल दिए हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। और अब इसके ऊपर हम एक लेयर और डालेंगे कस्टर्ड की, सेवई कस्टर्ड की, और इसके ऊपर से फिर से हम फ्रूट्स डा की लेयर लगा देंगे। आप इसको गार्निशिंग अपने हिसाब से किसी भी तरह कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा देखने में। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दूंगी, ये रेड और ग्रीन और येलो कलर की टूटी फ्रूटी हैं, कुछ रोज़ पेटल्स डाल दिए मैंने, और ये बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, एक ऐसे काजू है और बादाम है। आप ड्राई फ्रूट्स आप इसके बीच में भी डाल सकते हैं, और मैंने ऊपर डाले हैं इसके। तो इस तरह से हमने इसकी गार्निश कर दी है, तो ये हमारी बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।